वाह भाई, क्या ड्रिफ्ट मारा है। ऐसे है सब लोग, पूरा एक वीक का वेटिंग के बाद आज मैं अनबॉक्सिंग फाइनली करने वाला हूँ ये सेंटी टॉयज का स्विफ्ट। जी हाँ, यू आर द फ्यूल बोल के दिया है। इट इज़ अ वेरी नाइस कार गाइस, बहुत ही अच्छा वाला है। इसमें डोर ओपनेबल का ऑप्शन भी है, और एज आई मेंशन बिफोर, मेरा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि इसका डिटेल्स जो है ना अप टू द टॉप नहीं है। जो लेटेस्ट सेंटी टॉयज जो भी आ रहे हैं उतना डिटेल्स इसमें नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये एक पुराना वाला मॉडल है। जो सेंटी टॉयज में आया था तब भी ये एक पुराना वाला था, और ये 2004 का फर्स्ट जनरेशन का स्विफ्ट है। बहुत ही अच्छा कार है इसका, और इसका जो भी इंजन है ना वो एक एस्टीम से भी बिलोंग करता था। जी हाँ, मेरे पास भी एक एस्टीम है, यही है मेरा एस्टीम। बहुत ही अच्छा वाला कार है, इट रन सो नाइस, और वही सेम इंजन इस कार में भी आया करता था। सो इट वॉज अ ग्रेट वन। और मैं फेस रिवील के बारे में भी थोड़ा सोच रहा हूँ, तो आपका एंकरेजमेंट है तो डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ गाइस फेस रिवील। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे फेस रिवील करना है कि नहीं। ओके, गेटिंग बैक ऑन द कार, जो ये कार है ना, मैं आज इसका अनबॉक्सिंग और इसका स्पेक्स बताने वाला हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, नॉट टू मिस एनी ऑफ माई अपडेट्स। और इसका जो भी लिंक्स है ना, परचेज लिंक्स, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया रहता हूँ फॉर यू गाइस टू बाय। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जी हाँ, मैं इस कार का जो भी रियलिस्टिक पिक्चर्स है ना वहाँ प्रोवाइड किया रहता हूँ गाइस, सो चेक इट आउट एंड फॉलो मी। अब चलते हैं इस स्विफ्ट का अनबॉक्सिंग के लिए। फाइनली गाइज, द स्विफ्ट इज आउट ऑफ द बॉक्स, और इसका फर्स्ट लुक जो है ना बहुत ही अच्छा है। इम्प्रेशन हाँ, थोड़ा तो इसका इनक्लोज डिटेल्स जो है ना, या इसका हेडलाइट्स या इसका ग्रिल्स, वो परफेक्ट से नहीं किए हैं। इसका हेडलाइट्स का एडजस्ट में सभी थोड़ा गैप्स तो वैसा ही है, इट फील्स अ बिट लो। और इसका जो भी ग्रिल है ना, उसका फिटिंग्स सभी उतना ज़्यादा क्लीन कट सा नहीं है, और इसका फ्रंट ग्रिल का पेंटिंग्स भी है वो ब्लैंक छोड़ दिया गया है। सो डिटेल्स में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ये, लेकिन व्हील्स का इसमें तो बहुत ही अप्रिशिएटिव है। इसका ग्लॉसी व्हील्स बहुत अच्छा है, और इसका टायर ट्रेड्स का तो बात ही नहीं, क्योंकि ऑल सेंटी टॉयज हैज़ दिस काइंड ऑफ टायर ट्रेड्स जो बहुत रियलिस्टिक सा दिखता है। दूसरे कार्स में सभी प्लेन रहते हैं, लेकिन सेंटी टॉयज इज़ डन अ गुड जॉब ओवर हियर। और इसमें नीचे लिखा है स्विफ्ट, SWIFT, एटलीस्ट नेम इधर तो क्लियर है, और इधर स्केल मॉडल दिया गया है सेंटी टॉयज के साथ। बाकी का डिटेल्स, इसका इंटीरियर को देखा तो स्विफ्ट से ही लिए गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कॉपी नहीं किया है इन्होंने, एटलीस्ट उसका क्लॉक तो करेक्ट पोजीशन में है, और इसका इंटीरियर का ज़्यादा कॉपीइंग तो नहीं है, एटलीस्ट एयर वेंट्स तो अच्छा है। और इसका डोर पैड्स भी नहीं दिया गया है, सो इट फील्स अ बिट लो इन क्वालिटी। तो उससे छोड़ा तो इसका ग्लास क्लीन है, लेकिन इसका रेयर ग्लास तो क्लीन है, लेकिन इसका फ्रंट ग्लास में थोड़ा शैबी है। ये उन लोगों का पैकिंग का वजह से होता है, सो सेंटी टॉयज प्लीज़ करेक्ट दिस। इनका पैकिंग का वजह से इधर जो है ना फॉग अप हो जाता है, और ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है, सो प्लीज़ टेक अ लुक एट दिस। और इसका पेंट जॉब प्लेन सा है रेड, इट लुक्स नाइस आई गेस। और इसमें पीछे का दो सोनी स्पीकर्स भी मिलता है विथ बैज। ओके गाइज, और इधर पीछे का नेम प्लेट में SFT 1.3 है, 1.3 लीटर का इंजन है इसमें, तो इट सेज दैट। तो एक बार इसका पुल बैक सुन लेते हैं। ओके, प्रिटी फास्ट, बहुत अच्छा सा है ये। तो एनीवेज गाइज, इसका एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ये है नया स्विफ्ट नया सेंटी टॉयज से, और ये है पुराना स्विफ्ट पुराना सेंटी टॉयज से। सो इसका कंपैरिजन को देखते हैं। ये पेंट जॉब जो है ना, फर्स्ट थिंग, इसका पेंट जॉब में ग्लिटर भी है, बहुत ही अच्छा सा शाइन मारता है ये। और इसका डिटेल्स बहुत ही अच्छा है। वेदर स्ट्रिप में सभी ब्लैकआउट किया गया है, लेकिन इसमें जो है ना वेदर स्ट्रिप में ब्लैकआउट नहीं किया है, तो डिटेल्स में लो ऑब्वियसली। और इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा दिखता है, इट लुक्स मच मोर बेटर देन द ओल्ड वन। और इसमें डोर पैड्स भी दिए गए हैं, सो दैट इज़ द कंपेरिजन बिटवीन दीज टू। तो अभी ये ओल्ड स्विफ्ट का स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। ओके गाइज, तो पहला ये है, ये 2004 का सुजुकी स्विफ्ट है, और
पहली चीज इसका टॉप स्पीड, हाँ इसका टॉप स्पीड को जानेंगे तो इसका टॉप स्पीड है 175 किलोमीटर्स पर आर, जो 108 माइल्स पर आर भी बोलते हैं। सो उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गाइस 175 तो हमारा इंडिया का रोड्स में तो बहुत ही तेज़ है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो इट इज़ फ्रॉम 10 seconds to 11 seconds, या उतना तो लगता ही है अगर एक स्विफ्ट का 0 to 60 लेंगे तो। और इसका हॉर्स पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट 86 हॉर्स पावर का एवरेज है इसका, लेकिन डीजल इंजेक्शन का जो भी स्विफ्ट आता है ना उसमें 75 हॉर्स पावर दिया गया है, सो इट इज़ अ बिट लो, लेकिन उसमें टर्बो मिलता है तो पिकअप में ज़्यादा होगा। एनीवेज गोइंग फॉर द इंजन गाइज, इंजन में मैंने बहुत सारा लिया था, लेकिन मैंने एक कॉमन वंस को लिया हूँ। तो पहला वाला है 1.2 लीटर का K12M, जो कि एक नया स्विफ्ट में भी है, जो अभी रिलीज़ हुआ है ना वो स्विफ्ट में भी मिलता है K12M का इनलाइन फोर सिलेंडर, वही वो भी 86 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और एक और जो है ना वो है 1.3 लीटर का G13BB इनलाइन फोर सिलेंडर, वो एक पेट्रोल इंजन है और वही इंजन एस्टीम में भी मिलता है गाइस। सो एनीवेज दूसरा वाला है एक डीजल का DDIS बोल के आपने कहीं देखा होगा, इनलाइन फोर सिलेंडर का 1.3 लीटर है, जो एक D13 है, वही इंजन 75 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, तो उसमें एक टर्बो भी दिया गया है तो पिकअप उसमें ज़्यादा है गाइस। एनीवेज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन, इस कार में ट्रांसमिशन का ऑप्शन बहुत मिलता है, एक है 5-speed का मैनुअल और दूसरा है 4-speed का ऑटोमेटिक, लेकिन अदर कंट्रीज में सभी इसका एक CVT का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन who wants CVT यार। एंड गोइंग फॉर द बॉडी स्टाइल गाइज, ये कार का बॉडी स्टाइल ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, 5-door का एक hatchback है, तो वही है गाइज इस कार का स्पेक्स। आई होप यू गाइज गॉट सम इन्फो। तो अभी चलते हैं इसका रेटिंग्स। रेटिंग्स का स्कोर में मैं इसको एक 7 out of 10 देना चाहता हूँ, जी हाँ, क्योंकि इसका जो भी डिटेल्स जो है ना उसी वजह से ही इसका रेटिंग्स डाउन हुआ है, तो आई वुड लाइक टू गिव इट अ 7 out of 10। कमेंट कीजिए अगर मैं फेयर था इस कार के लिए या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज अगर आपको ये कार को परचेज करना है, मैंने पहले भी बोला था, इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहता हूँ, सो फॉर यू गाइज टू बाय। तो गाइज मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइए। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।